मध्य प्रदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने लगातार प्रत्याशी घोषित कर रही है। इसी बीच आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा भी अपना प्रत्याशी सूची जारी कर दी गई है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई प्रत्याशी सूची में कुल 7 नाम शामिल है। मध्य प्रदेश में पहले भी एक सूची आजाद समाज पार्टी जारी कर चुकी है, ये दूसरी सूची आज भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जारी की गई है और इस सूची के अंदर कुल 7 लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की जो पथरिया से विधायक राम भाई परियार, उस सीट पर भी आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने आज अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार और सूची आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्टी ने यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली मेघांव विधानसभा सीट से भूपेंद्र कराणा को, ग्वालियर दक्षिण की सीट से कल्याण सिंह कुशवाहा को, पतिरिया की सीट से प्रियंका रोशन को, सोनगंज की सीट से कैलाश प्रिय कैलाश सरिया को और महिदपुर से राजेश वर्षी को, जावरा की जो सीट है वहां से दिलावर खान को टिकट देकर मैदान में उतारा है, नीमच की जो सीट है वहां पर गोविंद वाल्मीकि को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो आप देख सके हैं कि दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली पथरिया विधानसभा की सीट जहां से बीएसपी की विधायक है रामबाई परियार, वहां से प्रियंका रोशन को टिकट देकर आजाद समाज पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा है। पिछला चुनाव यहां से बीएसपी की रामबाई परियार ने पथरिया से जीता था और इस बार भी आपको बता दें कि पथरिया की सीट से एक बार फिर से बीएसपी ने रामबाई परियार को उतारा है। उसी सीट पर आजाद समाज पार्टी तरफ से प्रियंका रोशन को टिकट देकर मैदान में उतारा है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।